प्रैक्टिस बता रही हूँ हिंदी भाषा का। ये है आपका पहला क्वेश्चन है आपका, चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? पहला ऑप्शन है आपका पदार्थवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है आपका व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, भाववाचक संज्ञा। चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो तुम हंसकर बात करते हो वाक्य में किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? पहला करते हैं, दूसरा हंसकर, तीसरा है तुम और चौथा है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, हंसकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है गोपाल, दूसरा है गोत, तीसरा है गोधूम, चौथा है गाय। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, गाय। अब नेक्स्ट है आपका, वह जिस घर जितना अच्छा है, वह घर जितना अच्छा था वह उतना ही अच्छा है, यह भी उतना अच्छा है वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? पहला है आपका क्रिया उपवाक, दूसरा है विशेषण, तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक, चौथा है आपका संज्ञा उपवाक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चप्पल, चंद्रमा, चिकित्सा, चम्मच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है कृष्ण जा रहा है क्या, दूसरा है क्या कृष्ण जा रहा है, तीसरा है क्या जा रहा है कृष्ण, चौथा है जा रहा है कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, क्या कृष्ण जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्वय की दृष्टि में से दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे, दूसरा है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो, तीसरा है आपका गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, चौथा है गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। नेक्स्ट है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। पहला है यदि जोड़ अपि, दूसरा है यदि जोड़ पी, तीसरा है यदि जोड़ अपि, चौथा है यदि जोड़ आपी। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा यदि जोड़ अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका पहला है दूव, दूसरा है दुल्हा, तीसरा है देवर, चौथा है दमन। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय किस प्रकार की विशेषण है? तो पहला है परिणाम बोधक, दूसरा है सर्वनामिक, तीसरा है गुणवाचक, चौथा है संख्यावाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, गुणवाचक। नेक्स्ट है, आगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? पहला है दुर्लभ, दूसरा है दुर्लभ कठिन, पहला है दुर्लभ शास्त्र, दूसरा है दुर्लभ कठिन, तीसरा है शास्त्र दुर्लभ, चौथा है आपका सरल लक्ष्य। ये है आपका, ये है आपका ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, दुर्लभ शास्त्र। नेक्स्ट है, दीर्घबाहु में कौन सा समास है? दीर्घबाहु कौन सा समास है? तो पहला हो जाएगा दिगु, दूसरा अव्ययीभाव, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा है आपका द्वंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है? पहला तैसा, दूसरा वैसा, तीसरा ऐसा, चौथा जैसा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी तैसा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पहला प्रादेशिक, दूसरा प्रादेशिक, चौथा है प्रादेशिक, चौथा है प्रादेशिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, प्रादेशिक। नेक्स्ट है आपका, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? इसका है आपका ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा है उपवाक्य, तीसरा है आपका उपवाक्य, तीसरा है आपका
सरल वाक्य, चौथा है आपका संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है आपका विभारी। विभारी का, विभारी किसकी पर्यायवाची शब्द है? विभारी किसका पर्यायवाची है? तो पहला है रात्रि, दूसरा है नौका, तीसरा है किरण, चौथा है नदी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा रात्रि। नेक्स्ट है आपका आगमन का विलोम शब्द, पहला है प्रदेय, दूसरा प्रदान, तीसरा है प्रकीर्ण, चौथा है प्रस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर चौथा, प्रस्थान। नेक्स्ट है विरह का विलोम शब्द है, पहला मिलन, दूसरा बिछोड़, तीसरा वियोग, चौथा है विलाम्ब। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर मिलन, मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जलज, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? तो पहला मोती, दूसरा कमल, तीसरा शंख, चौथा स्वर्ण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा स्वर्ण। नेक्स्ट है आपका अधन का विलोम होगा, अधन का विलोम होगा, पहला नूतन, दूसरा नवीन, तीसरा समकालीन, चौथा पुरातन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर, फोर हो जाएगा यानी पुरातन। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची है, पहला अचल, दूसरा बारी, तीसरा व्योम, चौथा प्रसून, प्रसून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर व्योम। अब है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीरा को साधु असाधु समाज का ज्ञान था, वे समान सामंतवादी मनोवृत्ति से ग्रस्त बैरागी, ग्रस्त बैरागी संप्रदायी एवं मठाधीश साधुओं को साधु नहीं स्वीकारती, बल्कि उनको कूड़ा कहती थी, कूड़ा कहती थी। साधु उनके लिए दया करना और प्रेम से भरा हुआ मनुष्य हो सकता है। भगवा भगवा वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी तिलकधारी एवं फकीर साधु नहीं। साधु वह है जो जिसकी मानवता पूंजी है, समाज कल्याण जिसका कर्तव्य और स्वतंत्रता जिसका धर्म है। मीरा ने मध्यकाल में ही पर्दा प्रथा की विरोध किया था। पर्दा प्रथा मनुष्य होने के अधिकारों का हनन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मुंह ढकना, सिर बांधना एवं घूंघट पर्यावरण के बचने, पर्यावरण से बचने के लिए स्त्री पुरुष दोनों के समान रूप में से किया करते हैं। रेतीली हवाएं जीवन के हानिकारक हैं, हानिकारक थी, किंतु धीरे धीरे उसे पवित्रता एवं धार्मिक संस्कार से जोड़कर स्त्री के लिए अनिवार्य बना दिया। लज्जा स्त्री का विशेष गुणों में गिना जाने लगा। अंगों का दिखाना एवं सीधे देखना, बोलना, चलना, बैठना, बाहर निकलना, समाज में आना, सबके आगे पर्दा लज्जा को खड़ा कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में किस प्रथा को मानवाधिकार का हनन कहा है? पहला पर्दा प्रथा, दूसरा है अस्पृश्यता, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है सती प्रथा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला पर्दा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किसका उल्लेख है? पहला महादेवी, दूसरा मीरा, तीसरा है लक्ष्मीबाई, चौथा है सुभद्रा चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी किस प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं? पहला नवीन प्रवृत्ति, दूसरा शोधक प्रवृत्ति, तीसरा सुधारवादी प्रवृत्ति, चौथा रीतिकालीन प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर नंबर, रीतिकालीन प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इसका आंसर, इसका ऑप्शन आपका ये है सुधारवादी, दूसरा है परंपरावादी, तीसरा है प्रगतिवादी धारा, चौथा है आपका क्रांतिकारी धारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में सुधारवादी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गद्यांश में वर्णित विषय का केंद्र है? पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है रीतिकाल, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा है छायावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द्विवेदी युग। निम्न प्रकार, नेक्स्ट है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा है विस्मयादिक बोधक चिन्ह, तीसरा है कौमा, चौथा है आपका ये चिन्ह। तो ये आपका
जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह फर्स्ट है। नेक्स्ट में है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। पहला है समय नष्ट करना, दूसरा है पता लगाना, तीसरा है निराशा होना, चौथा है प्रतीक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, प्रतीक्षा करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला है आपका इन हाथ से ताली बजानी चाहिए, दूसरा है झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, दूसरा है झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है, चौथा है आपका झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो नेक्स्ट है आई, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार है होते हैं। नेक्स्ट है आपका महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महाजोड़ इंद्र पहला है, महाजोड़ इंद्र दूसरा है, महजोड़ इंद्र तीसरा है, महीजोड़ इंद्र चौथा है, महेजोड़ इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, महाजोड़ इंद्र। नेक्स्ट है राजदरबार में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष भाव समास, चौथा है द्वंद, तीसरा है द्वंद, चौथा है द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड आपका तत्पुरुष समास है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? पहला मयूर, दूसरा मिल, तीसरा वचन, चौथा है मध्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा है समूहवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक पहला। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो पहला है कुछ, दूसरा है कैसा, तीसरा है गरीब, चौथा है सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा हवा का प्रवाची नहीं है? तो पहला है वायु, दूसरा समीर, तीसरा पवन, चौथा है सलील। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर सलील। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला पुष्य, दूसरा पूज्य, तीसरा परिस्थिति, चौथा प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पूज्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला प्रभाव, दूसरा भाषा, तीसरा निर्माण, चौथा विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड भाषा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो पहला हो जाएगा आपका क, दूसरा ख, तीसरा च, चौथा है ग। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ग। संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा पहला है सन जोड़ हार, दूसरा है सन जोड़ हार सम जोड़ हार, तीसरा है सम जोड़ हार, चौथा है सम जोड़ हार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा सम जोड़ हार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला चक्र, दूसरा चांद, तीसरा छे, चौथा छत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट चक्र। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला योगी, दूसरा यौवन, तीसरा जीव, चौथा जीर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जीव। नेक्स्ट है अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। पहला भौरा भगवान, दूसरा भगवान दुश्मन, तीसरा सखी भौरा, चौथा भौरा सखी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा भौरा सखी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? पहला है आपका मैंने लड़के को बुलाया, दूसरा है उन्हें नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। ये आपका आंसर हो जाएगा लगती थी। नेक्स्ट है आपको आपको ऐसा, तीसरा है आपका आपको ऐसा कहना चाहिए था, चौथा है वहां जाना अच्छा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। नेक्स्ट है अधिकार में उपसर्ग है, पहला कर, दूसरा कार, तीसरा आदि, चौथा अ। तो इसका आंसर हो जाएगा थद अधि। नेक्स्ट है आपका धार्मिक में पढ़ते है, पहला क, दूसरा इक, तीसरा मिक, चौथा धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड इक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकर्षण का विलोम शब्द होगा, आकर्षण का विलोम शब्द होगा कर्षण, दूसरा विकर्षण, तीसरा घर्षण, चौथा है अपमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है, पहला इच्छा, दूसरा आशा, तीसरा जिज्ञासा, चौथा अभिलाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर जिज्ञासा। जाने की इच्छा करने के लिए एक शब्द जिज्ञासा है शब्द है। नेक्स्ट है आपका कथा का बहुवचन होगा, रिक्त पहला ऑप्शन है आपका कथे, दूसरा कथो, दूसरा कथना कथानक,
चौथा है आपका कथनाएं, तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर कथाएं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का, वर्तमान काल का है? पहला है मानव पढ़ता है, दूसरा मोहन गया, तीसरा सीता सो गई थी, चौथा है वह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, मानव पढ़ता है। अब आए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई त्रुटि को उचित रूप पहचानिए। पहला है दुर्गम, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है रंग दुर्गम, चौथा है दुर्गम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य में के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहे। पहला है आपका कुछ दरबारी, दूसरा है बीरबल को मुसीबत, तीसरा है सोचते रहते थे, चौथा है में फंसने के तरीके। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बीरबल को मुसीबत। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहला है अतिवृष्टि, दूसरा है अनिवृष्टि, तीसरा है अनावृष्टि, चौथा है अनिवृष्टि। तो आपका ये आंसर हो जाएगा आपका थ्री नंबर, अनावृष्टि। नेक्स्ट है आपका, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो इसका आंसर पहला है आपका यमक, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा, चौथा अनुप्रास। इसका आंसर हो जाएगा चौथा अनुप्रास। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहला है दुपट्टा ऑप्शन, दूसरा दो फुल्हा, तीसरा प्रकृति, चौथा है हीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति, तीसरा नंबर। नेक्स्ट है आपका, चवर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? पहला है वत्सरी वर्ण, दूसरा है कंठ्य, तीसरा है तालव्य, चौथा है दंत। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूडोल का अर्थ क्या है? तो पहला आपका भीतर है, दूसरा सुमेरन है, तीसरा जलजला है, चौथा देवांगना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जलजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण कमल बंधु हरिराई कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन लेस, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो इसका हो जाएगा तीसरा, रूपक। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन, में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरे। रिक्त स्थान है विवाहिता जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। पहला अधिकांश ऑप्शन है, दूसरा सहस्त्र है, तीसरा समच और चौथा है प्रारब्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, अधिकांश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। पहला है सदैव बहुवचन, दूसरा है सदैव एक वचन, तीसरा है बहुवचन, चौथा है एक वचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा एक वचन। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना बिहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पहला है विरोधाभास अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है विप्सा अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट है आपका, अंगाल सिर पर घर लेना धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ चयन करें। पहला है आपका कठिन विपत्ति सहना, दूसरा है दूसरे को डराना, तीसरा है मारने का उद्धत होना, चौथा है विनाशकारी बन जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपत्ति सहना। नेक्स्ट है आपका सजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? पहला है यमक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है रूपक, चौथा है छे का अनुप्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, यमक। नेक्स्ट है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। पहला सुधा, दूसरा चंद्रमा, तीसरा प्रकृति, चौथा धरती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर, धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पहला समाचार पत्रिका, दूसरा समाचार, तीसरा अनेक समाचार, चौथा समाचारों। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, समाचारों।
नेक्स्ट है अरण्य रोदन, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है निरंतर निवेदन, दूसरा है विरह गीत, तीसरा है आपका निरर्थक, चौथा है बसेरा गान। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विरह गीत। नेक्स्ट है आपका साम्राज्य, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका प्रजा लोग, दूसरा प्रजानन, तीसरा प्रजा, चौथा है प्रजा वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, प्रजा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? पहला है सुनसान, दूसरा है अरण्य, तीसरा है कस्बा, चौथा है नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, अरण्य। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुयस का पर्याय बताइए। पहला है उत्पातु, दूसरा है सृजन, तीसरा है सुकृति, चौथा है दिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, सुकृति। नेक्स्ट है आपका आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। पहला है दो चीजों का मिश्रण, तीसरा है बेमेल चीजों का मिश्रण, दूसरा है बेमेल चीजों का मिश्रण, तीसरा है आधा खाना, तीसरा है, चौथा है आपका तीतर और बटेर मिलाकर खारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बेमेल चीजों का मिश्रण। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरे। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में रिक्त स्थान योगदान दिया। तो इसका ऑप्शन योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों ने इस तथ्य पर रिक्त स्थान था। पहला हो जाएगा आपका भरपूर संदेह, दूसरा है अथक विश्वासघात, दूसरा है जी तोड़ अटूट, चौथा है बेहद युति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, भरपूर संदेह। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थान ऐसा व्यक्ति नहीं है, रिक्त स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। पहला मैं की, दूसरा मैं जो, तीसरा हम जो की, चौथा और। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मैं जो। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला है कपास ढूंढना, दूसरा है उच्च लक्ष्य दे लेकर चलना और निम्न कार्य करना, तीसरा है उच्च लक्ष्य पर चलना, चौथा है हरि के भजन में मस्त होना। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो पहला है आपका राई इकट्ठी करना, दूसरा है बहुत सारी बातें करना, तीसरा है पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, चौथा है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। नेक्स्ट है आपका उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा है सामान्य भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है आपका सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पहला है अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है सामान्य वर्तमान काल, तीसरा है सामान्य भविष्यत काल, चौथा है पूर्ण भूतकाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, सामान्य भूतकाल। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका चतुराई भाववाचक संज्ञा है जो शब्द किसी पदार्थ की अवस्था दशा का या भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोटापा, मिठास, बुढ़ापा आदि। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में हंसकर क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है गाय तद्भव शब्द है जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट है उक्त वाक्य में जितना अच्छा था विशेषण उपवाक का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है चिकित्सा शब्द स्त्रीलिंग है जबकि चप्पल चंद्रमा और चम्मच शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में पदक्रम की दृष्टि से क्या कृष्ण जा रहा है वाक्य शुद्ध है।
नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है, गोपाल में ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जोड़ अपि है, यह अयन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका दमन शब्द तत्सम है, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्थानीय गुणवाचक विशेषण है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष आकार प्रकार रंग रूप गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आगम अगम आगम शब्द युग्म का सही शब्द दुर्लभ शास्त्र है। नेक्स्ट है आपका दीर्घबाहु में बहुव्रीहि समास है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है सो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण तैसा है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम गुण दोष आकार प्रकार रूप रंग गंध आदि बताते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रादेशिक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है आपका उक्त वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है विभारी रात्रि का प्रवाची है, इसके अन्य प्रवाची तमी रजनी चामिनी रैन निशा यामा आदि है। नेक्स्ट है आपका आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान है। नेक्स्ट है आपका विरह का विलोम मिलन है, जबकि विछोह वियोग प्रीविलंब आदि शब्द विरह के समानार्थी हैं। नेक्स्ट है जलज स्वर्ण का प्रवाची नहीं है, जलज के प्रवाची हैं मोती कमल शंख पंकज अरविंद आदि। नेक्स्ट है आपका अधगतन का विलोम पुरातन होगा, नूतन नवीन समकालीन अघतन के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है अवकाश आकाश के प्रवाची अंबर अनंत तारापथ पुष्कर व्योम अभ्र अंतरिक्ष आदि, अचल पहाड़ का प्रवाची प्रसून फूल का तथा वारिद बादल का प्रवाची है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार पर्दा प्रथा को मानवाधिकार का हनन कहा गया है। नेक्स्ट है उक्त गद्यांश में भक्ति काव्यधारा की एकमात्र कावित्री मीरा का उल्लेख है। नेक्स्ट है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में रीतिकालीन प्रवृत्ति व्याज्य है, अर्थात वे रीतिकालीन प्रवृत्ति को छोड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य द्विवेदी युगी इन आलोचना की महत्वपूर्ण विशेषता सुधारवादी धारा रही है। नेक्स्ट है उक्त गद्यांश में वर्णित विषय केंद्र द्विवेदी युग है, ध्यातव्य है कि इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिक बोधक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, उदाहरण चिन्ह कोष्टक। नेक्स्ट है आपका रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। नेक्स्ट है आपका हाथ एक हाथ से ताली नहीं बजती लोगोक्ति का अर्थ है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है महेंद्र गुंध संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद महाजोड़ इंद्र होता है। गुण संधि आ